की साल की बेटी हूँ, मुझे इस बात का बहुत दर्द है। मेरे परी बैठे हैं, मेरी माता बैठी है, ये मेरे पिता समाज बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर। अपना फसल काटने का कोई समझा नहीं होता इस बात का। आपने बिहार, अपना ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश 70-80 के मामा पर सरकार के पास इतना शोक है कि वह 2-3 साल में की क्यों खरीद सके है। ठीक है, और मैं एक बात आपको अपील करता हूँ, जोड़ कर निवेदन देना चाहूँ कि प्लीज भाइयों, यह फसल कटाई बंद कर दो। मैं कंडे लगाऊ में भी 2 किले कटाई कर देकर सिंधु में भी। आपने इस बात का पैसे नहीं लगाने कि पहले उस गाँव में कटनी मामले कर रहे हैं, इससे आपका कोई समाधान नहीं। आपने सिर्फ सरकार पर या किसी भाइयों की मांग खड़े हैं अपने 128 भाई शहीद हो गए, जिसका 3 लड़कियां वो भाई अटैक होकर मर गया, और एक लड़का जिसका 2 बेबे और वो कल्ला अपने परिवार में कमाने वाला। जब सरकार का अपने 128 भाई शहीद हो गए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अपनी फसल काटने का क्या फर्क पड़ेगा सरकार का है? आप इस बात ने ध्यान कर लो कि अपना कोई किसी का सरकार हेलो तार हट गया, लाइट नहीं गई है, तार हट गया भाई, कोई नहीं कोई नहीं। अब बोलिए, हेलो, सुनो थोड़ा इधर आओ, ये बोल लेकिन बोल जी, बोल पड़ो, बोल पड़ो। मैं अपने सारे भाइयों से अपील करके यह बात कहना चाहूं कि कोई भी फसल कटाई ना करे, सिर्फ मैं इसके समर्थन में आयु, सिर्फ मैंने इतना दर्द हो रहा है कि जो भाई फसल काटा अपना रोजगार क्या है, सिर्फ खेती और दूसरा चारा नहीं, अपने ब्याह भी करने हैं, बात भी पढ़ने हैं, अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, अपना दूसरा रोजगार क्या है, अपने घर में एक लड़का नौकरी लग जाए तो आप उसका गल्ला थोड़ा बहुत अपना पूरा परिवार ठीक चल पड़ा, अगर खेती गला अपना पूरा परिवार सारी उम्र कर्ज में बढ़े रहा, 2 लाख हटती के दे दिए, उसका आगे कुछ भी नहीं। मैं मेरे भाइया मेरी माताओं से एक बार बात करना चाहूँ, देश दाज बंद कर दो मामले। मैं किसान की बेटियों का मन लुबे रहा है, 2 किलिया में मेरे बाप बाप ने 3 छोरी कुकर ब्याई है। मैं सिर्फ आप मेरी माताओं से एक बाण कहूँ, कोई रिश्ता करो कि दे छोरी का 5 किले 4 किले हो, बेशक नुका दे, हम कुछ नहीं देते दे हाँ छोरी आ गए, सिर्फ यह बात मैं लो तुम आगे देखी जाओगी जो बनेगी मार्गल। और सिर्फ मेरी माताओं से अगर तुम कड़ी होगी गामा में हर लुगाई मेरे गांव कंडेले से, मैं मेरी कंडेले की माताओं को यह बात कहना चाहूँ कि वह बहु छोरिया ने बहुत कम बार काट है। मैं चाहूँ मेरे गांव में तो हर गांव हर रोज 2 ट्रली यहाँ पावर, दिल्ली जाओ 8 मार्च ने महिला दिवस है, उस दिन मैं जितनी भी कहूँ नारी शक्ति आ गया हुआ है। मैं कदे स्टेज पर को नहीं बोली थी, सिर्फ मेरे भीतर में दर्द है कि मेरे किसान भाई मेरी माताएं कितने दर्द में है, फिर भी मैंने अपने दिल में ठेस पूरा वो कंट्रोल करके मैंने सोचा मैं एक दिन जरूर बोलूंगी। सिर्फ माफ खातर आयु सब खातर, मैं भी किसी की बहू हूँ किसी की बेटी हूँ, माफ सब भाई अंदर सिर्फ यह निवेदन करना चाहूँ, एक तो फसल ना काटो, मेरे दिल में बहुत दर्द है, और मैं आप सब बेरहा किसान कितना दर्द सहन कर रहे हैं, सारी सारी रात जिरिया में पानी दे रहा है, सारी मारी माँ गाँव घर काम करे है, जब हम अपना पेट भरा, जब सुथरे कपड़े पारा, अपने माँ बाप सारदन दिहाड़े भरे है। मैं सभ्यता जोड़कर जमा जोड़कर कहूँ फसल ना काटो, सरकार का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ इतना भी फर्क नहीं पड़ता, उसने तनु भी नहीं मेरा हरियाणा में किसी ने फसल भी काटी है, जब उसका इतना ही नहीं फर्क पड़ा, जब मारे भाई बहन वहां पे खड़े खड़े जारी जड्डे 3 महीने जड्डे काट दिए, कोई सस फर्क नहीं, कुछ का दिमाग में भी को नहीं है बात, जब आप इकट्ठे हो रहे हैं नी तो जमा दर्द इकट्ठे हो रहे हैं, बस अपना और इस समय और कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट का मैंने टाइम यो लिया था भी, आपने सिर्फ आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना, और इस एकजुट होकर इस संगठन और इस पटान ने 8 मार्च ने जितना भी उसके लेडीज मेरी नारी शक्ति यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, धन्यवाद।